क्रिया योग रहस्य। क्रिया योग पर अनेक लोगों ने हिंदी, गुजराती, बंगला और कई भाषाओं में अनेक साहित्य लिखे हैं, और श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय जो इस क्रिया योग को पुनः पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए 20वीं शताब्दी में जिनका जन्म हुआ था, उनके बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं अलग अलग भाषाओं में। उनमें जो कुछ है वो कुछ हद तक ही लिखा गया है, कुछ विशेष क्रिया उस पर लिखी नहीं गई है कि किस प्रकार से क्रिया योग संपन्न होता है। तो आज उस क्रिया योग के बारे में मैं पूरे विस्तार से नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो मुख्य बिंदु है उस पर मैं जरूर अपने विचार स्पर्श करूंगा, और असर तो आपको इस एपिसोड में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। तो चलिए अपने विचार, अपने कुछ तथ्य में स्पष्ट करता हूँ कि संसार की बात है। सृष्टि के प्रारंभ से और अंत तक जीव अपने कर्मों को भोगता रहता है। एक छोटे से कृमि यानी कीट पतंग से लेकर देवताओं तक सबको अपने अपने ढंग से भोग भोगने का अधिकार है और भोग भोगते रहता है। और इसी सभी के अंतर्गत में ईश्वर ने माया का एक आवरण हम सबके ऊपर रखा है, क्योंकि हम सभी लोग माया के वशीभूत हैं। हमारे शास्त्रों में चाहे वेद देख लो, पुराण देख लो, उन सभी के अनुसार सृष्टि के आरंभ होने से पूर्व केवल और केवल अविनाशी परब्रह्म परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान थे। उसके उपरांत उनकी तीन गुणी यानी त्रिगुणी महामाया प्रकृति जिसको कहते हैं, उसके द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। सांख्य दर्शन के अनुसार यदि हम माने तो सांख्य दर्शन कहता है सत्य रजस मत्स्य साम्य अवस्था प्रकृति ही, मतलब है तीनों गुणों की साम्य अवस्था को हम प्रकृति कहते हैं। उन्हीं गुणों में से सर्वप्रथम आता है सतोगुण। पहले सतोगुण का विकास हुआ और देवता देवी जितने भी हैं वो सारी इसी सतोगुण का प्रारंभिक सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी का प्रथम भाव प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, और उन्होंने केवल और केवल अपनी सृष्टि जो उन्होंने अभी प्रारंभ की उनको देवताओं को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने इस सृष्टि को और भी व्यापक बनाने के लिए संकल्पवान सृष्टि को मैथुनी सृष्टि का स्वरूप प्रारंभ करना शुरू कर दिया, और इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने संकल्प मात्र से केवल पुरुष और स्त्री का एक जोड़ा जिसको हम मनु और शत्रुपा आदि जानते हैं, उस मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति होती है और उन्हें प्रजाति सृष्टि का आदेश दिया जाता है। सृष्टि आगे बढ़ने लगती है, अनगिनत जीवात्माएं आकर अपने कर्म के अनुसार नाना प्रकार के योनियों में प्रवेश करता है और प्रवेश कर सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार स्थूल सृष्टि जो हम देख रहे हैं वो मानव की उत्पत्ति है, परंतु आज का जो भौतिक विज्ञान है उसके विपरीत एक कोशीय जीव की रचना को ही सृष्टि का जीव मानता है। जो जो भी हो हम उस पर बहस नहीं करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, पर एक बात तो हम सभी को स्वीकार करना चाहिए, चाहे कीट पतंग हो, वनस्पति हो या देवी देवताओं, इन सब में प्राण की एक प्रकृति, एक प्राण वनस्पति हो या देवी देवताओं, इन सब में प्राण की एक प्रकृति, एक प्राण आत्मा जरूर रहता है जिसको हम प्राण कहते हैं, उसका अवस्थान कहा जाता है। उस सभी देवताओं में सभी मूलभूत जीवों के अंदर में एक वस्तु तथ्य है, वो है प्राण, और इसी प्राण से ही प्राणायाम शब्द बना है, अर्थात प्राणों को आराम देना, उसी को हम प्राणायाम कहेंगे। ठीक है, तो शास्त्रों में पहले उसी प्राण के बारे में बताया गया है और यही कहा गया सर्व प्राणमयम जगह, इसी महावाक्य के साथ प्राण की उत्पत्ति होती है और प्राण का एक ध्वनि एक स्वर उत्पन्न होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सृष्टि में पहले आकाश तत्व हुआ, फिर प्राण तत्व हुआ और मन की भी उत्पत्ति हुई, और उसमें बाद पंच महाभूतों की प्रादुर्भाव होता है। तो कहीं कहीं प्राण ही मूल है, शास्त्रों में बहुत जगह प्राण को ही ईश्वर का स्वरूप माना, उस महात्मा शिव का जिसको हम शिवात्मा या शिव कहते हैं, जिसको परब्रह्म कहते हैं, उसी का वास है। पर हमें यह भी जानना है कि यह आत्मा आखिर है क्या, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई जीव अपने प्राण त्यागता है तो उसका स्थूल शरीर यानी कि जो भौतिक शरीर है उसका विनाश हो जाता है, परंतु जिसके रहने से भी उसमें एक गतिशीलता आती है, वो प्राण जिसको मैंने कहा वो हम सब में मूल रूप से विद्यमान है,
उस शरीर को छोड़कर आखिर वह कहाँ चला जाता है, उसका स्वरूप क्या है, इसकी जानने के लिए कोई युक्ति आज की मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। पर यह प्राण ही तो सब कुछ है, क्योंकि हम वो भी भोजन करते हैं, परंतु हमारी जानकारी के बिना ही हम अपने आप पता चल जाता है कि पेट भर चुका है। धीरे धीरे पेट में पाचन क्रिया शुरू हो जाती है और पचे हुए भोजन से शरीर में रक्त, मांस, रक्त, मज्जा, हड्डी, वीर्य आदि जो सप्त धातु है स्वतः बनने लगती है। तो ये सारी प्रक्रिया आखिर कौन करता है? अंदर कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। ये सारी प्रक्रिया हमारे शरीर में कौन करता है? जो भोजन को स्वाद ग्रहण करता है वो कौन है? हृदय को श्वास प्रवास चलाता है वो कौन है? और वो कौन है जिसके छोड़ जाने से शरीर मृत प्राय हो जाता है? वह शक्ति क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों में केवल एक ही दिया है, वो है प्राण। कहते हैं हे प्राण, यह प्राण ही महान आत्मा है, हमारे समस्त कार्यों का संपादन करता है और यही प्राण हमारी सेवा भी करता है, और फिर भी हम इसे जानते ही नहीं है। इस प्राण को यदि जानने की हम कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि उसकी शरण में हमें जानने से ही सुख प्राप्त होगा। यही से हमारे शास्त्रों में गुरु परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ और उसे जानने के लिए जो कुछ भी क्रिया संपन्न की गई उसी को हम धर्म कहते हैं। धारयति इति धर्मः, यानी जिन सिद्धांतों को हम धारण कर सकते हैं धर्मः, यानी जिन सिद्धांतों को हम धारण कर सकते हैं धर्म के, उसको ही धर्म या धर्मात्मा कहते हैं। फिलहाल हम प्राण पर बात करेंगे, क्योंकि क्रियायोग का पूरा जो आधार है वो प्राण ही है, प्राण और प्राणायाम। जब हम प्राण को जान जाएंगे तो योगी जन कहते हैं तभी हम समस्त सृष्टि को भी समझ लेंगे, क्योंकि ये प्राण जो है वही हमारी इतनी सेवा करता है और उसके बदले में हम उसकी सेवा कैसे की जाए जिससे कि वह प्राण पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है। हमारे शास्त्रों में हमें प्राण के विषय में बहुत कुछ देखने को मिलता है और ये कहते भी हैं कि भारतवर्ष में ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने इस प्राण विज्ञान को खोजने में बहुत ज्यादा ही परिश्रम किया। उन महान आचार्यों का माने कि इनके रहस्य को जानने में वो सफल भी हुए और उस प्रयास में समस्त अनुभवों को और उनकी विशेषताओं को, प्राप्तियों को, यानी कि अचीवमेंट को, सभी उपायों से उन्होंने शास्त्र, हमारे पास बहुत सारे शास्त्र उपलब्ध हैं और शास्त्र की उपलब्धि के लिए हम उन ऋषियों की, इन योगियों की, महात्माओं के हम जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे। लेकिन कोई ऐसा समय था जब लोग साधना को अपने जीवन का प्रथम उद्देश्य मानते थे और आज भी कुछ लोग हैं गृहस्थ में साधना बहुत करते हैं और कहते, और ये भी देखा जाता संसार को छोड़ना केवल शरीर का निम्न भावनाओं की पूर्ति के लिए स्वीकार करते थे, यानी संसारिकता, यानी मटेरियलिज्म में एंगेज हो जाना। उस पूर्व की मैं बात करूं, पूर्व काल की, इस काल में शास्त्रों की रचना मौखिक रूप से प्रारंभ हुई थी और उस समय गुरु लोग शिष्यों को केवल अपना साधन ज्ञान पूर्ण रूप से कंठस्थ करा देते थे। ये भी था कि वैदिक काल में वेद भी चार के चार वेद कंठस्थ हो जाते थे और इसी तरह गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अमृत ज्ञान को हम आज भी उपलब्ध कर सके हैं। जनसंख्या की वृद्धि के साथ मनुष्य का जीवन धीरे धीरे, और मैं यदि कहूँ तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है और उसको समझने के लिए इतनी साधना आज शायद ही कोई कर पाएगा, चाहे वो भक्ति साधना हो, चाहे वो मंत्र साधना हो, या वो विचार मार्ग हो जिसको हम ज्ञान मार्ग कहते हैं, अद्वैत वेदांत। पर इसमें आज के युग के लिए इतना समय निकाल पाना और ये साधन पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होते, जो कि काफी लोग आज भी भक्ति साधना, मंत्र साधना और विचार मार्ग पर जरूर चलते हैं, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। खैर, इसके स्वरूप हम आगे बात करेंगे कि जब ये प्राणों की इस साधना का प्रचार होने लगा, उसके स्वरूप साधारण जनता में आत्मा उपासना की लहर दौड़ गई और कुछ साधु संत ऐसे बचे जो उसको जीवित रखने में सफल हो सके। जो तो संसार में अन्य देशों में बहुत सारे संत हुए जिन्होंने अपने धर्म उपदेश के द्वारा जनता को मार्गदर्शन किया। किसी ने योग साधना सिखाई, किसी ने ज्ञान मार्ग सिखाया, किसी ने भक्ति मार्ग की उपदेश को प्रबलता बताया, और इतने महात्मा हुए कि उनकी पूरी जनगणना करना आज तक संभावना है ही नहीं।
खैर मैं आत्म उपासना की बात करता हूँ। आत्म उपासना के प्रधानता देने के ख्याल से हमारे ऋषियों ने जीवन में चार आश्रमों का विभाजन किया। ब्रह्मचार्य पालन यानी ज्ञान प्राप्ति का प्रथम पद, सूर्य से लेकर 25 वर्ष तक का जो अवस्था है उसको ब्रह्मचार्य का जीवन माना जाता है। गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, सांसारिकता का जीवन, वानप्रस्थ सांसारिकता से आपको थोड़ा दूर होकर यानी 50 से लेकर 75 तक सांसारिकता से दूर होकर ईश्वरी भजन और एकांत चिंतन में अपना जीवन बिताना, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। और अंतिम में आता है 75 साल से लेकर 100 वर्ष तक संन्यास रखना, जो कि आज ये चार आश्रम पूर्ण रूप से लुप्त होते जा रहे, केवल गृहस्थ आश्रम ही दिख रहा है। इसमें से देखा जाए तो संसारिकता के लिए केवल जीवन का एक चौथाई भाग ही जिया जाता है, लेकिन इसके विपरीत आज का मनुष्य, जैसे मैंने कहा कि संसारिकता में पूरी तरह से डूब चुका है और लोग साधना के नाम पर थोड़े बहुत मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते, तीर्थ यात्रा क्या करते हैं, वो मौज मस्ती करते हैं, पिकनिक बनाते हैं, भगवान को भजने के लिए बुढ़ापे का सहारा लिया जाता है। और इसलिए आप कोई शायद ही पूर्ण रूप से युवा अवस्था में भजन करना ठीक नहीं समझता। खैर आदिकाल से संसार के अन्य देशों में भी लोग जीवन जीने का संघर्ष कर रहे थे और उस समय का पावन कर्म भूमि जो है हमारी पवित्र भारत में वेदों का रचना हुई। हजारों वर्ष पहले वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण लिखे गए और ये ज्ञान और साहित्य की रचना आज भी देश में इतनी ज्यादा है कि कोई उसको स्पर्श नहीं कर सकता, उसकी थापा नहीं सकता। और देखा जाए तो आज भी बहुत सारे ग्रंथ लुप्तप्राय हो चुके हैं हमारे, और इसी का इसका कारण है आजादी और उससे पहले भी मुगल काल और संक्रांति काल में बहुत सारे ग्रंथ या फिर बाबर आदि मुगलों ने जला दिए, या फिर बौद्ध काल में बहुत सारे भिक्षुक उन्हें ले गए, या फिर विदेशी पश्चिम के विद्वान यहाँ से छीन गए। इसी के लिए आज हमारे भारत में बहुत सारी विद्याएं लुप्त हो गई है। खैर अपने शास्त्रों को हम तो भूल बैठे, या मैं कहूं तो उसके अर्थ को समझने में हम भारतीय लोग बिल्कुल ही असमर्थ हो चुके हैं। जो भी हो, बाहर से आया हो, उसने हम परास्त किया या किसी ने हमें परास्त करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने विचारों को किसी और के ऊपर थोपा नहीं, हमने लोगों की हर धारणाओं को स्वीकार किया और यही कारण है हमारा देश या आज भी एक श्रेष्ठतम देश माना जाने जाएगा। और इस सृष्टि में मानव सर्वश्रेष्ठ है, मानव सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ये ब्रह्मा जी की सर्वश्रेष्ठ उत्पत्ति मानी जाएगी और इसलिए उनके कार्य को भी जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्योत्तर जीवन में केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन ही रहता है, क्योंकि ईश्वर ने एक भोग योनियों में एक संपूर्ण रूप से आबद्ध करके रख दिया है, सीमित कर दिया है। इसके साथ ही साथ उनको जन्म के साथ उनका सब ज्ञान, उनका जो प्रयोजन है वो ईश्वर ही देता है। गाय का बछड़ा मानो जैसे पैदा होता है तो कुछ देर बाद दौड़ने लगता है, यदि उसे पानी में फेंक दिया जाता है तो तैरने लगता है। मनुष्य के साथ ही नहीं, और आप कई भी योनि देखो बहुत ही जल्दी सीख पाते, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको सीखने में समय लगता है। मनुष्य को सीखने में समय लगता है, लेकिन मनुष्य के पास एक सबसे बड़ी चीज है, वो है बुद्धि। मनुष्य उस बुद्धि का थोड़ा सा विभाग उपयोग कर लेता है तो बहुत बड़े बड़े आविष्कार करता है कहते कहते हैं बड़े जो आविष्कार हुए हैं उसमें से 10 से 15 बहुत छोटा है, 10-15% ही केवल काम में हम ले पाते हैं। मनुष्य अन्य जीवों में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो अपनी साधना से सृष्टि का रहस्य को जान सकता है और पूर्ण रूप से मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। इसी बुद्धि के प्राधान्य के कारण मनुष्य से कोई गलती भी हो जाती है तो जिसे हम पाप कहते हैं, और अन्य जीव पाप पुण्य से मुक्त होते हैं, लेकिन मनुष्य पाप और पुण्य से बंध जाता है। और इसी पाप पुण्य से मुक्त होने के लिए धर्म का हमें आधार लेना है, जिससे हम ना पाप में रहे ना पुण्य में रहे, और इन दोनों को छोड़ता हुआ मनुष्य पूर्ण रूप से योगी बन सकता है। और मनुष्य इसी कर्तव्य साधना को याद दिलाने के लिए अनेक महात्मा पैदा हुए, और इन्हीं महात्माओं में से 19वीं सदी के महानतम योग अवतार श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महर्षि जी का आविर्भाव, श्री महामता अद्वितीय गुरु श्री बाबा जी नाम से जिनको जाना जाता है, महाअवतार बाबा जी, उनको कई वर्षों से तपस्या में रत होते हुए देखा गया है, आज भी जीवित है। और कौशाम्बी के आसपास या बद्रीनारायण के आसपास उनका स्थान माना जाता है, पर कोई मुख्य नहीं है, पुस्तकों में लिखा है। उनसे, उन महान गुरु से उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा ली
और इस सावित्री दीक्षा को गृहस्थों में विस्तारित करने का उन्होंने ही आदेश दिया, यानी बाबा जी ने, उनके गुरु ने, जिसके स्वरूप तप, कीर्तन, यज्ञ और मूर्ति उपासना से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ पूर्ण रूप से इस प्राण आत्मा यानी आत्मा उपासना की उत्तम विधि, जिसको क्रिया योग हम कहते हैं, उस क्रिया योग पर पूर्ण रूप से अपना तप प्रदर्शन कर सके और जिसके स्वरूप उस मोक्ष का प्राप्ति हो सके। लाड़ी मासे के पहले शायद ही कोई ऐसा महात्मा होगा या होंगे जिन्होंने ब्रह्मचारी और सन्यासी के अलावा किसी गृहस्थ के सम्मुख इस परब्रह्म विद्या की गुप्त रहस्य को प्रकट किया था, या प्राण साधना या आत्म उपासना साधना ही यथार्थ धर्म है। तो आइए इस यथार्थ क्रिया योग पर और कुछ विचार हम करते हैं। धर्म की जहां बात की जाती है, धर्म धारती इति धर्म, हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य इस सृष्टि का आदि जीव है और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। अब विचार करना चाहिए कि अन्य जीवों में मनुष्य में क्या विशेषता है। इस संदर्भ में एक श्लोक बहुत अच्छा लिखा गया है शास्त्र में, आहार निद्रा भयम मैथुनम च समान भूता पशु भी नराणाम धर्म ही एको एदि को विशेष धर्म भी नर पशु समान। मतलब है कि आहार निद्रा भय और मैथुन इन सभी से जीवों को समान रूप से रहता है, पर धर्म ही एकमात्र मनुष्य की एक विशेषता रहती है और यदि मनुष्य इस धर्म का पालन नहीं करता तो वो एक पशु से भी गया गुजरा माना जाएगा। यह धर्म वास्तव में क्या है, और लाहरी मासे कहते थे दया, दया ही धर्म है। सबसे पहले हमें अपने ऊपर दया करनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है अपने ऊपर दया करनी चाहिए, तो आगे क्रिया योग के विद्वान कहते हैं कि हमारे श्वास में यानी 24 घंटों में हम 21,600 बार श्वास चलती है हमारी, 21,600 टाइम्स 24 आवर्स के अंदर, और इस श्वास को यदि प्राणायाम के द्वारा कम किया जाए, यानी जो हम श्वास लेते हैं उतनी श्वास तकरीबन हम लेते हैं, उसको यदि हम कुछ कम कर दे तो प्राणों की चंचलता बहुत कम हो जाएगी। और इसी पर किसी महान विद्वान ने कहा है, प्राणों की गति पर चले वातु चले चितो निश्चलो निश्चलो भवेता, अर्थात वायु के चलने पर जिस प्रकार प्राण चंचल होता है और निश्चल होने पर यही प्राण स्थिर भी हो जाता है, इसीलिए अपने शास्त्रों में प्राणायाम का बहुत अधिक महत्व है। और यह प्राणायाम ही प्राण की सेवा है, आत्मा उपासना क्रिया योग का आधार माना गया है और इसी से प्राण स्थिर तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। यह प्राणायाम ही महान धर्म है, इसलिए कहा गया है प्राणायाम महाधर्मो वेदांतरा मय गोचरो, यह प्राणायाम परम धर्म है क्योंकि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है और उसकी उपासना मोक्षदायी उपासना है। तो आप देखेंगे कि हमारे सारे धार्मिक अनुष्ठानों में, चाहे गायत्री मंत्र की साधना हो, सत्यनारायण की पूजा हो, गणेश पूजा या किसी भी देवी देवताओं की पूजा हो, उसमें कहीं ना कहीं प्राणायाम की विधि बताई गई है। क्योंकि वे प्राणायाम ही नहीं, क्योंकि श्वास लेना केवल प्राणायाम नहीं होता, शास्त्रों में प्राण की उपासना को श्रेष्ठ बताते हुए विद्वान कहते हैं प्राणो ही भगवान ईशम प्राणो विष्णु जना जना प्राणो ही धायते लोके सर्व प्राणमयम जगत। मतलब कूमी से लेकर देवता तक सब में प्राण है और सभी लोग जब तक इस प्राण की उपासना करेंगे तभी तक वह जीवित रहेंगे। प्राण के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जब प्राण जब चंचल होता है तब मन में काम वासना उदय होती है और उसकी पूर्ति के लिए हम इंद्रियों का आश्रय लेते हैं और उसी इंद्रियों से आसक्ति होने पर हम पाप कर्म में फंस जाते हैं। इस प्रकार वह जो अपने सांसारिक जंजाल से फंसा हुआ है अनेक जन्मों तक नाना योनि में पढ़कर जन्म मरण की रोग शोक सुख और दारिद्र और दुख की कष्ट भोगते रहता है। यदि इस प्राण की स्थिरता को समझ लिया जाए तो हमारे मूल स्वरूप को यानी आत्म स्वरूप को हम जान सकते हैं और उसी को हम मुक्ति कहते हैं। तो धर्म में यदि हम बात करें तो तीन शब्द आते हैं, धर्म ध र म। ध का अर्थ है धारण करना, धारयति धर्म। र का अर्थ है प्राण का तेज और म का अर्थ है बिंदु, यानी म कार शिव आत्मा। अर्थात इस प्राण को ही प्राणायाम द्वारा आद्य चक्र में ले जाकर बिंदु में स्थित कर देना। इस अवस्था के अंदर में प्राण पूर्ण रूप से स्थिर होकर अपने स्वरूप में आ जाता है। मूल रूप से यही बात कहना है, प्राण पूर्ण रूप से स्थिर होकर अपने मूल रूप में आने के कारण मुक्ति को प्राप्त करता है और यही भक्ति है। इसी पर आदि शंकराचार्य ने भक्ति की परिभाषा लिखकर कहा था, स्वरूपाव स्वस्थानम
भक्ति नित्या विधि यते, अपने स्वरूप में स्थित होना ही भक्ति है। और ये जब आप प्राणायाम से पूर्ण रूप से परिचित हो गए, और इस परिचित होने के लिए उस प्राण का स्वरूप जानने के लिए या प्राण का स्वरूप जान लेने के पश्चात कोई भी व्यक्ति नीति से विरुद्ध कार्य करेगा नहीं तो वह सच्चा धार्मिक इंसान बनेगा और पाप कर्म से बचा रहेगा, और इसी तरह धीरे धीरे साधना के माध्यम से वह उच्च अवस्था तक पहुंच सकता है। आजकल प्राय सभी धर्म आडंबरों से धीरे धीरे युक्त होते जा रहे हैं, और यही कारण है लोग धर्म से होते हुए भी अधर्म का ज्यादा स्वान करते हैं और मन द्वारा सबका अशांत रहता है, और इसी कारण पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें धर्म का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, और कुछ लोग सतत चंडी का पाठ कराते हैं, कोई रामायण का अखंड पाठ करता है, कोई राम नाम का जप करता है, पर इन सब में श्रेष्ठ क्रिया योगी कहते हैं कि आपको चाहिए आप भगवान का नाम अंदर ही अंदर लेना चाहिए, स्वयं का ही नाम लेना चाहिए, क्योंकि बाहर के नाम लेने से भगवान प्रकट नहीं होते हैं। उसके लिए क्रिया योगी कहते हैं, अद्वैत आदि कहते हैं, स्वयं की ही उपासना करो, प्राण की उपासना करो, क्योंकि ये कष्ट साध्य नहीं है, ठीक है। और इसलिए जरूरी है कि आप देखेंगे कि ग्रह स्वामी बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहता है, लेकिन वो पूजा पाठ ज्यादा कर नहीं पाता, और अगर बाहरी पूजा पाठ में व्यस्त रहता है तो अपने आप को जान नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने अपनी साधन पद्धति, अपनी अनुभूतियां और तब संबंधित यम यम आहार विहार का सुंदर रूप से सारी क्रिया बता दी गई है, क्योंकि योग के द्वारा ही हम यथार्थ धर्म को जान सकते हैं। क्योंकि आप जिस धार्मिक पुस्तक को पढ़ते हैं उसका अर्थ यदि आप समझ ना सको या उन अनुभूतियों का जान ना सको तो आपकी श्रद्धा में डगमगा जाती है, आपका विश्वास सहक हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। योग के द्वारा आप शास्त्रों को समझ पाते हैं, परंतु आजकल के समय में सब योग कंसल्टेंट बन चुके हैं और योग के विषय में अनेक अनेक भ्रांतियां हैं। लोग योग को केवल प्राणायाम और मेडिटेशन और ध्यान ही समझ पाते हैं, कुछ विशेष आसन समझते हैं, और योग इससे भी काफी व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं, और लोग इससे भय भी खाते हैं। कुछ लोग योग को एक व्यायाम के रूप में मान लेते हैं, या कुछ लोग और सन्यासी ग्रह त्याग के बाद योग किया जाएगा ऐसे मान लेते हैं। ये सोचते हैं गृहस्थ में रहकर योग का साधना करना बहुत ही कठिन है और ये उचित भी नहीं है, ऐसा मानना है, पर यह बहुत बड़ी भूल है, योग को मन और प्राण को स्थिर करने की बहुत सरल पद्धति है, जिसे हर कोई गृहस्थ किसी भी समय कर सकता है, कोई समय की पाबंदी इसमें नहीं है। मूर्ति की पूजा प्राचीन काल में नहीं थी, पर धीरे धीरे इसका प्राधान्य बढ़ा, क्योंकि मूर्ति पूजा से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, इसलिए मूर्ति पूजा जरूरी है। मूर्ति पूजा का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं स्वयं भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ में हमें अपने अंतर्दृष्टि भी डालनी चाहिए, और हमारे धर्म में जितनी भी मूर्तियां हैं वे सब उसी व्यापक रूप का, उस परमात्मा का ध्यान दिलाने में समर्थ है। जैसे शिवलिंग, शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार शिवलिंग जैसे आप मंदिरों में देखते हैं अपने ही शरीर में उस मूलाधार में वही शिवलिंग है। यदि आप योग के द्वारा मन को स्थिर करके उस मूलाधार में संयम करके उस उज्ज्वल वर्ण के समान शिवलिंग का आप दर्शन करना चाहो तो योग के द्वारा कर सकते हैं और दर्शन होता है। बाहरी मंदिरों में तो उसका केवल एक रिफ्लेक्शन एक प्रतिरूप है, और उस पत्थर की प्रतिमा का पूजन करने से अच्छा है हम अपने भीतर उस शिव की पूजा करें, अपने भीतर जो शिवलिंग है उसकी पूजा करें, या फिर मैं दोनों की ही पूजा करें, क्योंकि ये मूर्तियां केवल आपको धर्म का और आकर्षण तो दे सकती है लेकिन मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। इसी प्रकार माँ काली की प्रतिमा दिखने में तो अच्छी है, लेकिन उसकी केवल बाहरी पूजा करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती, उसके स्वरूप को समझना चाहिए। जैसे यदि हम माँ काली की प्रतिमा को देखते हैं तो उसमें प्रतिमा निकली एक जीभ है जो बाहर की तरफ बड़ी से लाल रंग की जीभ है, वह जीभ खेतरी मुद्रा का प्रतीक माना गया है। माँ का जो मुंडमाल है दसवें विद्या में प्रथम है काली, वो दसों इंद्रियों का प्रतीक माना गया है। ये सारे रूप गुरु अपने शिष्य को योग की नाना प्रकार की अनुभूतियां और रहस्य समझाने के लिए नक्शे का इस्तेमाल करते थे, और यहीं से कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ होगा। कालांतर में जो साधना पद्धति क्रिया योग को हम भूल चुके हैं और उसको छोड़कर केवल मूर्ति पूजा को ही हम मूल पूजन मानने लगे, मूल धर्म मानने लगे हैं। इस संसार में एकमात्र देवता है वो है आत्मा, और वो है परमात्मा, क्योंकि आत्मा इति परमात्मा या आत्मा ही परमात्मा है, और हम सब आत्मा है, हम उसी परमात्मा की संतान है।
और उसमें एक शक्ति है कुल कुंडलिनी शक्ति। इसकी वास्तविक उपासना केवल और केवल क्रिया योग से ही संभव है। अन्य देवी देवता तो उन्हीं नाना कार्य को करने के लिए नाना रूप और नाम के रूप से माने गए हैं और उनके प्रतीक हैं। हमारे यहाँ सामाजिक अवस्था में इसी आत्मा उपासना पर आधार रखा गया है। ब्रह्मज्ञानी को ब्राह्मण, साधना में अपने विकारों से युद्ध करने वाले को क्षत्रिय, किसी सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए उपासना करने वाले को वैश्य और उपासना करने वाले को हम शूद्र मानते हैं। जाति पाति की व्यवस्था से हमारा बहुत सारा वैज्ञानिक जो जाति प्रथा थी धीरे धीरे अस्त व्यस्त होती जा रही है और हो रही है। कालांतर में बहुत सारी जातियां अलग अलग प्रकार की परेशानी से जूझता जा रहा है और हो रहा है, और आज भी यह विकृति हमारे सामने स्पष्ट है, क्योंकि हम हमारे शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और हमारे शास्त्र के अनुसार प्रथम ऋषियों की सृष्टि हुई थी और उन्हीं में से संतान हुई जो बाद में जातियों के रूप में जीवन बिताने के लिए बाध्य हो गई और बट गई, परंतु उसमें ऊंच नीच का भेदभाव न रहा। पर आगे चलकर उस धर्म का विकृत स्वरूप आ चुका, जो आडंबर होने के कारण हम उसी असुविधापूर्ण जीवन बिताने के लिए बाध्य हो चुके हैं। श्री लाहिरी महाशय ने जाति पंथ के बंधन को तोड़कर उस कूटनीय क्रिया विधि को पूरी तरह से मुक्त करके बंगी से लेकर ब्राह्मण तक, शूद्र से लेकर उच्च स्तर के मानव को सबको समान रूप से दिया, और यह मानव को सबको समान रूप से दिया, और यह समस्त मानव जाति का एक धर्म है, क्योंकि उसमें प्राण को ही उपासना की जाती है और जो हम सबके अंदर है वो आत्मा सर्वदा रहता है, जिसमें हम छोटे बड़े अमीर गरीब कोई भेद नहीं करता। तो उस क्रियायोग पर हम विस्तार से आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आने वाले एपिसोड में हम प्रथम क्रिया गुरु प्राणायाम के ऊपर विस्तार से बात करेंगे, जहां लाहिरी महाशय ने क्रिया योग में यम और नियम को बहुत प्रथम आवश्यक माना था। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि यम नियम सही रूप से पालन तो करना चाहिए, पर उसके पालन करने के पश्चात यदि दीक्षा ली जाए तो कम समय में आप बहुत जल्दी ऊंची चलान लगा सकते हो आध्यात्मिकता में। इसलिए यम नियम ही संपूर्ण योग नहीं है, यम नियम का पालन पूरे जीवन तक करना चाहिए और उसके बाद क्रिया योग की आपको दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि संयमित जीवन होने पर ही योग साधना में आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, और उनका यह भी मानना था कि यह क्रिया आपको मन से करनी है, जिससे आपका मन स्थिरता की ओर बढ़ सके, और जैसे जैसे आपका मन स्थिरता की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे आप यम नियम को अपने आप पूर्ण करने में समर्थ हो जाएंगे, और यहीं से क्रिया योग की पद्धति फिर शुरू हो जाती है। तो आज मैंने अपनी हल्की से धर्म और क्रिया योग पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें मैं बात करूंगा गुरु प्रणम्य गुरु प्रणाली के ऊपर। तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए, मिलता हूं अगले एपिसोड।